हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शशि प्रभा। इस वीडियो में हम रिसर्च मेथडोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन को हम एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें हमारा घर बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्केच तैयार करेंगे, एक मॉडल तैयार करेंगे। ठीक है, वो हम एक आर्किटेक्ट की हेल्प से कर सकते हैं कि उसका ब्लूप्रिंट बना के रखते हैं कि हमारा घर कैसा होने वाला है, कहाँ पे कौन सा रूम होगा, कहाँ पे पार्किंग होगी, सारा एक मॉडल हमने तैयार किया। जब वो घर बन गया, उसके बाद में हमारे सामने घर रेडी हो जाता है जिसको हम देखते हैं। सो इस घर को रेडी करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्केच कैसा हो या हमारी जो स्केच है प्रॉपर तरीके से हो। सिमिलर हम बात करेंगे कि जो रिसर्च डिज़ाइन होती है, रिसर्च डिज़ाइन इज प्लान ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो रिसर्च हम करने वाले हैं, उसका एक प्लान होता है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें, ब्लू प्रिंट ऑफ द डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड एनालाइजिंग डेटा। सो हमारी जो रिसर्च डिज़ाइन है वो क्या है, जो हमारा जो रिसर्च हम करने वाले हैं, एक हाइपोथेसिस हमने बनाई थी प्रॉब्लम के लिए और उसके लिए हमने डेटा कलेक्ट किया और उसको हमें टेस्ट करना है कि हाइपोथेसिस इज वेदर राइट और नॉट। तो उसको चेक करने के लिए हम पहले एक पूरा प्लान बनाते हैं कि हम उस रिसर्च को कैसे कंडक्ट करने वाले हैं। तो वो जो हमारा प्लान होता है, एक उस प्लान का जो ब्लूप्रिंट होता है, एक डिटेल प्रोसीजर हम जो यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए जो प्री प्लानिंग होती है वो हमारी रिसर्च डिज़ाइन होती है। सो सेलेक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन डज नॉट डिपेंड ऑन द विम्स ऑफ रिसर्चर, रदर डिपेंड ऑन द पर्पज़ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो हम रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करने वाले हैं, रिसर्च डिज़ाइन बहुत टाइप की होती है, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन सी रिसर्च डिज़ाइन को हम सेलेक्ट करने वाले हैं, ये रिसर्चर जो है उसकी विल पावर पर या उसकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है, जो हमारी एक्सपेरिमेंट है, उसका पर्पस क्या है, टाइप ऑफ वेरिएबल्स, किस टाइप के वेरिएबल्स हम काउंट कर रहे हैं, एंड कंडीशंस इन विच रिसर्च इज टू बी कंडक्टेड, और किस कंडीशन में हम रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी रिसर्च डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन, जो हमारी रिसर्च डिज़ाइन है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, वो कैसे काम करता है। फर्स्ट इज इट इज़ प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू प्रॉब्लम एट ए मिनिमम कॉस्ट। ये हमें जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि उससे रिलेटेड जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आगे फर्दर हमारी रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, एक मिनिमम कॉस्ट पे पार्सिमोनियस रख पाएँ, उसको इकोनॉमिकली रख पाएँ, उसमें पूरी रिसर्च डिज़ाइन हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट, आंसर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिवली एंड वैलिडली। जो अब हमारा रिसर्च क्वेश्चन है उसका आंसर भी ऑब्जेक्टिवली देता है, कि उसमें किसी भी टाइप का कोई सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं होता है, और वैलिडली देता है कि उसको हम ये बोल पाएँ कि जो हमारा पर्पस है उस चीज़ को ये फुलफिल करता है। नेक्स्ट इज एक्ट एज ए कंट्रोल मैकेनिज्म। जो रिसर्च डिज़ाइन है वो उस पूरी रिसर्च पे एज ए कंट्रोल मैकेनिज्म एक्ट करता है, कि जो वेरिएंस होता है, जो वेरिएबल्स का जो इम्पैक्ट होता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है। अब हम देखेंगे कि किस टाइप के वेरिएंस होते हैं, किस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, या कौन कौन से चेंजेस हमारे रिसर्च में आते हैं जिसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। सो दीज चेंजेस नोन एज वेरिएंस। वेरिएंस इज ए मेजर ऑफ हाउ मच वैल्यूज इन ए डेटा सेट डिफर फ्रॉम द मीन। जो हमारा रिजल्ट आया है, जो डेटा हम कलेक्ट किया है, उनकी वैल्यूज अपनी मीन वैल्यू से, जो एवरेज हमारा स्कोर आना चाहिए उससे कितना डिफर कर रहा है, उससे कितना अलग आ रहा है, वो वेरिएंस होता है। सो वेरिएंस को समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेंगे, इफेक्ट ऑफ एंजाइटी ऑन द टास्क परफॉर्मेंस। यहाँ पे जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे एंजाइटी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड टास्क परफॉर्मेंस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये टास्क परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एंजाइटी पे कर रहा है। अब हम वेरिएंस के तीन टाइप्स की बात करेंगे। फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस, सेकंड इज एक्सट्रोनियस वेरिएंस, थर्ड इज एरर वेरिएंस। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस हम उसको बोलते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम हमारी जो रिसर्च होती है उसमें यही कोशिश करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल जो वेरिएंस होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से जो डेटा में चेंजेस आ रहे हैं वो मैक्सिमम हो, क्योंकि हम उसी इम्पैक्ट को स्टडी करना चाहते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस किस वजह से आएगा, एंजाइटी की वजह से, और हम एंजाइटी का ही इफेक्ट टास्क परफॉर्मेंस पे देखना चाह रहे हैं। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए किसी भी रिसर्च में। नेक्स्ट इज एक्सट्रोनियस वेरिएंस। एक्सट्रोनियस
वेरिएबल्स की वजह से आता है. फॉर एग्जांपल जेंडर, ऐसा कोई वेरिएबल जिसका जिसको हम हमारी रिसर्च में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जिसको हम हमारी रिसर्च के अंदर इफेक्ट नहीं देखना चाहते, फिर भी उस चीज़ का इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे आता है और वो डिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंस ले आता है. सो इसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है कि ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये वेरिएंस ना आए, इसको हम मिनिमाइज कर पाएँ, जिसको कंट्रोल कर पाएँ, जिसको ख़त्म कर पाएँ. सो हियर इज जेंडर. नेक्स्ट इज एरर वेरिएंस. एरर वेरिएंस वो होता है जिसको हम हमारी स्टडी में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जैसा कि एक्सट्रोनियस वेरिएबल को नहीं कर रहे हैं, एक्सट्रोनियस वेरिएंस को नहीं कर रहे हैं. सिमिलरली एरर वेरिएंस भी वैसा ही होता है, बट ये उन वेरिएबल्स की वजह से आता है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिनका इम्पैक्ट कभी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, कभी तो वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालता है, कभी वो नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है. तो एट लास्ट वैसे एक दूसरे से पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाते हैं, जैसा कि मोटिवेशन है. हो सकता है कभी मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो उस टास्क को करने के लिए, कभी मोटिवेशन लेवल बहुत कम हो उस टास्क को करने के लिए. तो ये जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दो दो डायरेक्शन में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. इस एरर वेरिएंस को भी हम मैनेज करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं. नाउ क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर रखे हैं कि रिसर्च डिज़ाइन उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करें. फर्स्ट इज कैपेबिलिटी टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली. जो हमारी रिसर्च क्वेश्चन है उसका आंसर ये सही तरीके से दे, अप्रोप्रिएटली आंसर दे. अगर कोई रिसर्च हमारी जो डिज़ाइन है उसका आंसर अगर प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहा है तो वो रिसर्च डिज़ाइन अच्छी नहीं होगी. तो जो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम का आंसर बहुत अच्छी तरीके से देगा वही अच्छी रिसर्च डिज़ाइन होगी. नेक्स्ट इज जनरलाइजेबिलिटी. अब हमारा अगर हमने एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार करी है, उसके बेसिस पे ही हमने पूरा हमारा रिसर्च कंडक्ट किया, तो अब जो रिज़ल्ट आया वो ऐसा होना चाहिए कि उसको हम अदर देन जो हमने सैंपल लिया था हमारा, उस सैंपल के अलावा भी दूसरे लोगों पे अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो वो उस पर इम्प्लीमेंट हो पाएँ. जो स्टडी हमने की है उनको हम दूसरे लोगों पे भी जनरलाइज कर पाएँ, उन लोगों पे भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ. नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स. जैसा कि हम पीछे बात कर रहे थे, कुछ एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स होते हैं, कुछ एरर वेरिएबल्स होते हैं, इनको भी रिसर्च डिज़ाइन कंट्रोल कर पाएँ. अगर इन तीनों क्राइटेरियाज़ को फुलफिल जो रिसर्च डिज़ाइन करती है वही एक अच्छी रिसर्च डिज़ाइन होगी. अगर इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, दैट इज़ पुअर रिसर्च डिज़ाइन. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन. फर्स्ट इज रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन मीन्स इंडिपेंडेंट रिपीटेशन अंडर नियरली आइडेंटिकल कंडीशन. जो रिसर्च हम एक बार कर चुके हैं उसी सेम रिसर्च को हम फिर से रिपीट करेंगे उसी आइडेंटिकल कंडीशन में. आइडेंटिकल कंडीशन मीन्स जो कंडीशंस हमने पहले ली थी रिसर्च के लिए उससे मिलती जुलती जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा उन्हीं कंडीशंस में. फॉर एग्जांपल जिस एज ग्रुप में हमने लिया था उसी एज ग्रुप में हम लें, जिस टाइप का हमारे पास सैंपल था उसी टाइप का सैंपल हम फिर से लें. तो जिस कंडीशंस में हमने उसको किया था जितना पॉसिबल हो पाएगा हम उससे नियरली आइडेंटिकल कंडीशन में फिर से सेम जब रिसर्च को रिपीट करेंगे. उसका क्या फ़ायदा होता है? रीवैलिडेट ए प्रीवियस स्टडी. जो हमारी स्टडी हमने पहले की है उस स्टडी को ये रीवैलिडेट करेगा. वैलिडिटी इसकी उससे इंक्रीज हो जाएगी कि अगर जो स्कोर हमारा पहले आया था या जो रिजल्ट पहले आया था और जो सेकंड एक रिपीटेशन के बाद जब हमारे पास में दूसरा जो डेटा है उसको जब हम दोनों के बीच में अगर हम कोरिलेशन निकालते हैं, अगर वो हाई आता है इसका मतलब हमारा जो रिसर्च हुआ है अभी उस वो बहुत ज़्यादा वैलिड है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेंडमाइजेशन. रेंडमाइजेशन मीन्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव इक्वल चांसेस टू बी सेलेक्ट इन सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन. जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या होती है? वो ओवरऑल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिस पे हम स्टडी करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ किसी रिसर्च को मुझे एडल्सन्स पे करना है तो मेरी जो एडल्सन्स जो एज ग्रुप है वो पूरा मेरे लिए पॉपुलेशन हो जाएगा. अगर मैं चाहती हूँ मुझे एडल्सन्स फीमेल पे अगर मुझे स्टडी करनी है तो जो एडल्सन्स फीमेल है ओनली वो मेरी पॉपुलेशन होगी. सो पॉपुलेशन इज होल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सैंपल इज स्मॉल पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर पॉपुलेशन मेरी बहुत ज़्यादा है उसमें से मैं 100 इंडिविजुअल पे मैं स्टडी करना चाहती हूँ, मैं 1000 इंडिविजुअल पे स्टडी करना चाहती हूँ, सो दिस 100 नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड 1000 नंबर ऑफ इंडिविजुअल विल बी सैंपल. सो जब सैंपल में से पॉपुलेशन हम सेलेक्ट करते हैं, जब सैंपल में से हम पॉपुलेशन को निकालते हैं तो हर एक इंडिविजुअल के इक्वल चांस होने चाहिए कि हमें उसमें से किसको लेना है.
फॉर एग्जाम्पल कभी अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में किसी को टास्क देना है और वो मैं टास्क किसको देना चाहती हूँ, वो मैं क्या करूँगी, एक बाउल में सबके स्टूडेंट्स के नाम लिख के एक बाउल में रख दूंगी। अब अगर मैं उसमें से किसका नाम पिक करती हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी चिट में किसका नाम है, सो किसी भी चिट को जब मैंने उठाया तो वहाँ पे उस चिट में किसका नाम आएगा, इसमें सबके इक्वल चांसेस है, किसी का भी नाम आ सकता है। सो देट इज़ रेंडमाइजेशन की हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से जो हम सैंपल सेलेक्ट करना चाहते हैं उसमें से किसको हम सेलेक्ट करेंगे इसके इक्वल चांसेस होने चाहिए। नेक्स्ट इज लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल मीन्स बैलेंसिंग ब्लॉकिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, कि जो अब हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हमारे पास में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके अलग अलग हमने लेवल ले लिए, या जो अलग अलग ग्रुप हम लेने वाले हैं कि हाई मोटिवेशन लो मोटिवेशन कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। सो यहाँ पर ये जो ग्रुप्स हमारे पास में हैं इनमें हम सब्जेक्ट्स को जब डिवाइड करेंगे तो इनमें बैलेंस होना चाहिए, ग्रुपिंग इनकी जो करते हैं हम वो एक बैलेंस कंडीशंस में होनी चाहिए कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल जो कंडीशंस है उनमें सब्जेक्ट को हम असाइन, जो सब्जेक्ट्स हमारे पास में उनको असाइन हम एक प्रॉपर तरीके से करेंगे, बैलेंस कंडीशन में करेंगे, ग्रुपिज्म रेंडमली सिलेक्शन होगा। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।